अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारे छत के ऊपर सरिया बांधने वाले आए हुए हैं। चार बंदों की टीम है, वो अभी सरिया काट रहे हैं, आपको दिखाएंगे और कैसे लेंटर के ऊपर वो बांधते हैं, कितना कितना गैप रखते हैं। मैं अभी सुबह सुबह सो के उठाऊँ तो चले चलते हैं, अपने दिन का आगाज़ करते हैं और साथ ही अपने व्लॉग का भी आगाज़ करते हैं, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। तो गाइस, नाश्ता मैंने कर लिया, बर्तन नीचे रखते हैं और देखते हैं आज की सूरत हाल क्या है। तो गाइस, काम के साथ साथ अभी 10 बज गए और चाय का टाइम हो गया, तो अभी चाय के साथ मैं बिस्किट निकालता हूँ और ड्राइंग रूम में रख कर फिर उन्हें बुलाता हूँ। वो आएंगे, खाएंगे और उसके बाद दोबारा काम शुरू कर देंगे। सरिये की सारी लेंथें काट दी गई हैं और अब इनको छत पर ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ अबू जो बाउंड्री होती है ना, इसको गोला कहते हैं, इसके ऊपर इंजन ऑयल लगा रहे हैं, काला तेल जिसको हम कहते हैं। ये छत का डिज़ाइन है, आपको समझ तब आएगा जब शटरिंग खुल जाएगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। ऑयल इसलिए लगाते हैं ताकि ईंटें जो हैं वो सीमेंट को ना पकड़ें और ऑयल की वजह से डिज़ाइन ईजीली खुल जाए। जी तो फ्रेंड्स, छत के ऊपर छापर डाल दिया है और ये सारा आप देख सकते हैं। अब सरिये का काम जो है वो शुरू करने लगे हैं। सरिया ऊपर क्रॉस में डालेंगे, कितने फुट का गैप होता है, कितने इंच का सॉरी गैप होता है, वो आपको बताएंगे। और साथ साथ जो कुछ भी करना है वो वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे। क्या पता आपके माइंड में एक सवाल आ रहा हो कि लेंटर के ऊपर ये शापर क्यों डला हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि ताकि माल जो होता है वो लेंटर वाले दिन जो सीमेंट, बजरी, रेत, ये वो सारा, ताकि उसमें से सीमेंट नीचे शटरिंग से नीचे ना गिर जाए। ये शापर डला हुआ होगा तो सारा कुछ ऊपर ही रहेगा और इसकी मजबूती ज़्यादा होगी, तो इस चक्कर में ये शापर डला हुआ है जी। तो आज फिर सरिया वाली टीम आई है, तो चार बंदे हैं वो, जैसा कि वीडियो में मैंने आपको दिखाया। तो उन लोगों के लिए रोटी पकवाने के लिए होटल पे जा रहे हैं। ये मेरे साथ वरीशा बैठी है और पीछे जट बैठा है। तो अभी दिन के 12:30 हैं, 1-1:30 बजे तक जो है वो हम लोग खाना खाएंगे। अभी चलते हैं होटल और वापसी फिर आपको बताते हैं। को हम यहीं से आ रहे थे तो हम लोग बैठे बैठे चाय पीने का प्लान बना, तो इसी होटल पे जहाँ पर अभी हम रोटियां लगवाने जा रहे हैं, तो इसी पे ही रात को हम चाय पीने के लिए आए थे। एक ही बाइक पे 5 बंदे बैठ के, तो उधर ही हम लोग बैठे हुए थे तो ऊपर से बारिश शुरू हो गई और वापसी हम लोग बारिश में भीग कर आए। ठंड भी काफ़ी थी, कपड़े सारे गिले हो गए। ये जो बारिश हुई है उसका पानी देखें, रोड पर खड़ा हुआ है। अरे चलनी साढ़े आ, अरे चलनी साढ़े आत, खूते रेते माया सावे कचावे, तैनु न वेखा मैनू चैन न आवे आ।
समावा तेनु बांधे नलका लावा दे ठटी छे नलका लावा दे ठटी छे। अभी निरकी अड्डा आने वाला है, 2 मिनट बल्कि 30 सेकंड के अंदर अड्डे से हम राइट टर्न होंगे और फिर हम जाएंगे मौली के होटल पे। मौली के होटल पे पहुंच के आपको दिखाएंगे कि वहां पर मौली कितनी रोटियां लगाता है। आज कितनी रोटियां लगवाएं, 25 या 30? तो आज 30 रोटियां लगवाते हैं गाइस। लिंक रोड से अभी हम पिंडी रोड पर आ गए हैं। मियाँ वाली टू पिंडी रोड जो है इसकी हालत भी अभी कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन गुजारा करना है तो कर रहे हैं। तो जैसे ही अपने गांव के अड्डे से लिंक रोड पर हम मेन रोड पे आएँ तो उस पास ही बिल्कुल 200-250 मीटर के रास्ते पे होटल आ जाती है। तो ये सामने होटल आ गई है, होटल पे जाते हैं। कदीर है, ये बहुत अच्छा पोल्ट्री फार्मर है। इसके फार्म पर जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, चूज़ों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। आप बताएंगे ना चूज़ों के मुतालिक, बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, ये जो है ना कदीर भाई हमें अपना फार्म दिखाने जा रहे हैं, पोल्ट्री का फार्म जो इन्होंने नया बनाया है। वहाँ पर जाके वीडियो बनाएंगे किसी दिन। वो सामने कदीर भाई का शर्ट नजर आ रहा है, तो वहाँ पे जाके पोल्ट्री की वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। और कदीर भाई कारोबार आपका कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, बेहतरीन। ओ मंकी, यहाँ पर आए आपको मंकी दिखाते हैं। बिजो डांस करके दिखाओ। बिजो 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 मंकी। तो दोस्तों सरिये वाले 4 भाई जो है सरिया काट कर बांधने वाले जो भाई थे वो 9 बजे आए थे, और 2 बजे जब मैं खाना खा कर ऊपर आया, उनको खाना ऊपर दिया था और खुद मैं नीचे खा रहा था। खाना खा के थोड़ी देर मैंने आराम किया है और उसके बाद जब मैं ऊपर आया हूँ तो उनसे चाय का पता करता हूँ। तो अभी 2 बजे का टाइम था और वह सरिया लगा कर चले भी गए, मुझे इस बात का इल्म ही नहीं, मुझे अभी पता चल रहा है। तो अभी 2 लोग और आए हुए हैं, वो थोड़ी सी शटरिंग की सेटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने लेंटर डालना है ना उनके बंदे हैं। सरिये वाले भाई तो आए थे गाड़ी में, वो चले गए सरिये का काम करके सारा। तक जी थलो सारियों वलियां लेवल हो गई हैं। ये जो डन्ने आपको नजर आ रहे हैं इनको वलियां कहते हैं, वलियां लेवल हो गई हैं, बरामदे में भी कमरों में भी, ऊपर से फट्टे भी लेवल हो गए। लंटर जब डलेगा तो हर शे लेवल हो जाएगी। तो दोस्तों सारे छत पर इस वक्त सरिये की सेटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं सरिये का जाला सारे छत के ऊपर बिछ गया। और कल कोई बंदा भी नहीं आएगा क्योंकि कल जमेरात है, और हमसाए में हमारी एक आंटी थी बहुत ही प्यारी, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनका कल 40वां है, हम भी उधर होंगे और मिस्त्री भाई भी कोई नहीं आएगा। तो उसके बाद फिर जुम्मे का दिन होगा, और जुम्मे वाले दिन मुझे लगता है कि मजदूर मिस्त्री जो हैं वो छुट्टी करते हैं, तो शायद 2 छुट्टियां एक साथ आ गई हैं। और उसके बाद फिर हफ्ते को जो मज़ीद इसके ऊपर जो पाइपों का और जो क्या कहते हैं उनका काम होगा, इलेक्ट्रिक का काम होगा, उसके बाद फिर संडे को इंशाल्लाह लेंटर डलेगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, तो मुझे दीजिए इजाज़त।
अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।